अगर कोई लड़की मैनेजर को टीएल को पसंद आ गई, बस समझ जाइए एक साल में वो प्रमोट हो जाएगी। कैसे होएगी, कब होएगी, क्या करना पड़ेगा, वो सब अच्छी तरह आप जानते हैं। मैंने स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दिया है। पसंद आने वाली बात है, अगर आप पसंद नहीं आ रही है तो फिर करते रहिए काम नाइट शिफ्ट में, बहुत बड़ा संघर्ष है। नमस्कार, तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। देखिए, अंग्रेजी की एक बड़ी शानदार कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। और अमेरिका के एक बड़े राइटर पॉलिटिशियन हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। और इन पंक्तियों में अगर मैं आपको हिंदी करके दिखाऊं तो इन पंक्तियों का मतलब ये हो जाता है कि रात को बिस्तर पे जल्दी सोना, सुबह बिस्तर से जल्दी उठ जाना इंसान को स्वस्थ, अमीर और चतुर चालाक बनाता है। मगर आज बात उल्टी हो चुकी है साहब। आज की वीडियो में हम ऐसे जीवों की, ऐसे प्राणियों की बात करेंगे जो रात को तो जगते हैं, सुबह को सोते हैं साहब। जी नहीं, ना ही मैं चमगादड़ों की बात करने वाला हूँ, ना ही मैं उल्लुओं की बात करने वाला हूँ, और ना ही मैं ड्रैकुलास की बात करने वाला हूँ। मैं तो बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो बीपीओ में काम करते हैं। देखिए, जब मैं बोलता हूँ बीपीओ, इससे आपको क्या समझ में आता है? बिल्कुल छोटी सी एक पृष्ठभूमि आपके सामने पेश करता हूँ बीपीओ की, बिल्कुल सरल शब्दों में। देखिए, समझिए जरा, कितने लोग हैं भारत देश में? 140 करोड़ मान लेते हैं भारत देश में लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे देश में, और दिल्ली की जनसंख्या, चूंकि दिल्ली राजधानी है भारत की, दिल्ली की जनसंख्या करीबन होगी 1 या 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, उसके लगभग मान लेते हैं, जिसका मोटा भाग युवा है। अब ये लोग बीपीओ में काम करते हैं। बीपीओ क्या है? एक विदेशी कंपनी जो अपना काम खुद ना करके भारतीयों से करवा रही है। एक विदेशी कंपनी अपना काम खुद ना करके भारतीयों से करवा रही है। क्यों करवा रही है भारतीयों से? क्योंकि भारतीयों की स्किल्स बहुत अच्छी है, भारतीयों की अंग्रेजी एक्सेंट बहुत अच्छा है, और भारतीय कम सैलरी में मान जाते हैं। समझते हैं जरा इसको। अब ये लोग रात में काम करने जा रहे हैं। क्यों जा कर रहे हैं रात में काम? क्योंकि अगर भारत में रात होगी तो वहां पे सवेरा होगा, इसलिए इंटरनेशनल कॉल सेंटर बोली या बीपीओ बोले। जनरली इंटरनेशनल कॉल सेंटर बीपीओ की 3 शिफ्ट चलती हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। यूएस अमेरिकी शिफ्ट जो शुरू होती है शाम को 6 बजे से करीबन सुबह के 5 बजे तक, यूके की शिफ्ट जो है दोपहर के 3 से रात के 12 बजे तक, और ऑस्ट्रेलिया की जो शिफ्ट चलती है वो सुबह 6 से लेके दोपहर के 3 बजे तक। ये हो गया बीपीओ की छोटी सी पृष्ठभूमि। और बीपीओ में काम क्या होता है? कॉलिंग का काम होता है, जो भी विदेशी कंपनियां आपको करने को बोलती हैं आपको वो करना होता है। मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि why are we working in night shift? हम लोग रात की शिफ्ट में काम क्यों कर रहे हैं? कोई बेनिफिट है क्या रात में काम करने का? What are the benefits in working in night shift? बेनिफिट क्या है? नेगेटिव पॉइंट क्या है? क्या दिक्कतें होती है नाइट शिफ्ट में? और कई बार तो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को ज्यादा बेनिफिट होता है नाइट शिफ्ट में काम करने का, लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है। तो चिंता मत करिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो का नाम है बीपीओ, नाइट शिफ्ट और लड़कियां। चलिए तो फिर करते हैं शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन तो अब यही आ जाता है कि भैया हम लोग रात में काम कर क्यों रहे हैं, व्हाई आर वी वॉकिंग इन नाइट? दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला छोटा कारण है, दूसरा बड़ा कारण है। छोटा कारण क्या हो सकता है? आप गांव से शहर में आए हैं पढ़ने के लिए, सुबह आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि काम आप कर नहीं सकते हैं, तो रात में आप काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रात में काम? क्योंकि पिताजी इतने सक्षम नहीं है कि वो आपको पैसे भिजवा पाए, तो आप मजबूरी में, या मैं कहूं संघर्ष चल रहा है जीवन में, इसलिए आप काम कर रहे हैं। दूसरा कारण बड़ा शानदार है, हम लोग बहुत पढ़ गए हैं साहब, हमने बीटेक एमटेक कर लिया है, जॉब मिल नहीं रही, 23% युवा बेरोजगार है 2020 का, जॉब ही नहीं मिल रही है साहब। बीटेक एमटेक कर लिया, पिताजी ने लाख रुपए देके हमें बीटेक एमटेक करा दिया, और हजारों की जॉब नहीं मिल रही है। अब क्या करें भाई, चलिए इंटरनेशनल कॉल सेंटर की तरफ। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर का इंटरव्यू क्रैक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपके बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, सुबह जॉब मिल नहीं रही, और मिल भी रही है तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, तो चलो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट्स क्या है भैया काम करने के रात में? देखिए, रात में काम करने के तो कोई बेनिफिट नहीं है, सब लोग जानते हैं। कंपनी आपको कुछ प्रलोभन दे सकती है, कैसे? कि नाइट शिफ्ट में काम करो, आपको बोथ साइड कैब मिलेगी।
आपको मील दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, और हम लोग कर लेते, मजबूरी है भाई। 90% युवा जो रात में काम कर रहे हैं वो खुश होके काम नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई रात सोने के लिए बनी हुई है। आप कॉल ले रहे हो, कॉल ले रहे हो, झपकी लग रही है, कहाँ जिंदगी झंड हो चुकी है, मगर फिर भी आप कर रहे हो। बोला जाता है 8 घंटे की शिफ्ट होगी, बट कई बार 9-9 घंटे स्ट्रेच करवाना पड़ रहा है, कॉल फ्लो बहुत ज्यादा है, लगी पड़ी है, कोई बेनिफिट नहीं है। बस यही बेनिफिट है मील और कैब। और एक बात बताइए, कोई बंदा आपसे रात में काम करा रहा तो आपको कैब और मील तो देगा ही ना, और नहीं देगा तो फिर क्या ही कर रहे हो आप, क्या ही जिंदगी झंड हो रही है यार। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स, भतेरे हैं, अगर बताने पे आया तो रात हो जाएगी। बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं यार। यूएनओ ने एक चीज प्रूव करी है कि जो लोग रात में काम करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और उनकी मेंटेलिटी और उनका मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ऐसा यूएनओ बोलता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और सच बात है। शास्त्रों में लिखा हुआ है रात सोने के लिए, और रात में आप जगे हुए हैं और मॉर्निंग में आप सो रहे हैं, जबकि मॉर्निंग में काम करना चाहिए भाई, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। जो सूरज होता है पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको सुबह सुबह, और उस टाइम आप सो रहे हैं तो समझ जाइए, ठीक है। राक्षस और दैत्य लोग सुबह सोते हैं, रात में जगते हैं। अगला ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है, क्या भाई ये लड़कियों को, जो लड़कियां रात में काम करती हैं, इनको ज्यादा बेनिफिट होता है क्या? देखिए, बड़ी शानदार बात मैं कहना चाहूंगा सरकार से, और मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां जो हैं कमजोर नहीं है साहब, लड़कियां लड़कों के बराबर है, तो मेरा सरकार से एक यही क्वेश्चन है, तो फिर सारी चीजें फ्री क्यों कर रही है उनके लिए? DTC बस आपने फ्री कर दिए, और भी बहुत सारे अधिकार उन्हें दे रहे हो, अगर लड़कियां कमजोर नहीं है तो हर चीजें फ्री क्यों कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूं उनसे, नाइट में काम करने वाली लड़कियों को इतने बेनिफिट्स क्यों? डोर टू डोर कैब मिलेगी भैया, गार्ड मिलेगा कैब में, किस लिए? कोई बेनिफिट नहीं है यार। पार्शियलिटी होती है क्या जॉब के बीच में? बिल्कुल पार्शियलिटी होती है, बिकॉज आई हैव वर्कड इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। पार्शियलिटी का मतलब ये नहीं है, पार्शियलिटी का मतलब ये है, अगर कोई लड़की मैनेजर को, TL को पसंद आ गई, बस समझ जाइए एक साल में वो प्रमोट हो जाएगी। कैसे होएगी, कब होएगी, क्या करना पड़ेगा, वो सब अच्छी तरह आप जानते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दिया है। पसंद आने वाली बात है, अगर आप पसंद नहीं आ रही है तो फिर करते रहिए काम नाइट शिफ्ट में, बहुत बड़ा संघर्ष है। MNC कंपनीज में ऐसा कहा जाता है कि 12-13% लड़कियां कुछ भी कर सकती है प्रमोशन लेने के लिए, ये स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है, मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी में आप जो चाहते हैं, आपको तमाम खुशियां मिले, जो आप बनना चाहते हो आपको सब कुछ मिले, संघर्ष जीवन में चल रहा है, ये वीडियो है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि नाइट शिफ्ट बंद कर दीजिए, मत करिए, अगर संघर्ष चल रहा है, पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं। शुक्रिया।